बिल्कुल, जिसको भी मसला हो तो अजीम भाई। हाँ ना अजीम भाई, क्या कहेंगे कि लोग बच्चे आपसे इतने ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि आप तो मुश्किल ही बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा स्पेशल कोचिंग का टाइम होता है जिसमें हम 1-to-1 अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं। ये टाइम तकरीबन अवैस का होता है, अवैस का टाइम है ये 1-to-1 का। तो आज अली भाई के साथ AVD खैबर पे हमारा लाइव प्रोग्राम है, तो बस थोड़ी देर में उनके लिए निकलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है लाइव। जी आज जो व्लॉग है वो हमारे है कि बिहाइंड द सीन, जो TV में पीछे हम प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ, उसमें पीछे स्टूडियो में क्या होता है, तो आज आपको हमें दिखाएंगे। तो चलते हैं AVD खैबर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। जैसे ही हम स्टूडियो पहुंचे हैं तो ज़बरदस्त बारिश शुरू, और पेशावर का मौसम बहुत प्यारा हो गया और एंजॉइंग द वेदर। जी तो इस वक्त AVD खैबर के ऑफिस में बस होती भाई आ रहे हैं, तो होती भाई आएंगे तो उसके बाद स्टूडियो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ऐसा सिस्टम होता है, आके आप रिसेप्शन पे, रिसेप्शन के बाद उनके मेन ऑफिस में, और ऑफिस से फिर स्टूडियो में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मुंसिफ भाई हैं, वन ऑफ द फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ KPK क्रिकेट, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। तो आज मेरे साथ प्रोग्राम में वो होंगे, वेरी एक्साइटेड विद हिम। तो इंशाल्लाह जैसे प्रोग्राम शुरू होता है तो उनसे भी बातें होंगी और अली होती साहब से भी बातें होंगी। This is good sign. Requirement of the day, Daji. No, requirement of the day, no. मतलब ये लिख लेगा ना ये क्यों बोल रहे हैं? दस है Daji. Fact है. अंदर अजीब भाई, क्या कहेंगे कि लोग बच्चे आपसे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, हालांकि आप तो मुश्किल ही बताते हैं। असल में अभी ये जो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो रहे हैं, इनको पता है कि एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, और एक्सरसाइज और फिटनेस होगी तो हम किस लेवल तक जा सकते हैं। हर बच्चे ने इंजरीज पे और फिटनेस पे बात की है, तो अब आजकल की जो बच्चे हैं इनको पता है। पहले होता था सिर्फ ग्राउंड में राउंड लगाए, स्ट्रेच किया, ख़त्म। लेकिन अब जो मॉडर्न क्रिकेट है इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो छोटे से काम नहीं चलेगा, इंजरी की ट्रीटमेंट साथ साथ होनी चाहिए, तो आप लंबा खेल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं अजीम भाई से एक्सरसाइज और उसकी जो प्रॉब्लम है, तो अजीम भाई ये क्या महसूस कर रहे हैं कि प्राउड नहीं है हमारे पेशावरियों के लिए कि अजीम भाई जैसा बंदा? अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी मैंने अली भाई जो मैंने क्लिनिक डिज़ाइन किए, मैंने दुनिया घूमने के बाद जो चीज़ें मैंने देखी मैंने वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। जो स्पोर्ट्समैन को हमने जिम में ठीक करना है, हमने क्लिनिक में अस्पताल में ठीक नहीं करना, तो मैं उनको एक्सरसाइजेस के साथ और उनकी नीड्स के मुताबिक जो उनके रिक्वायर्ड मसल्स हैं उन पर काम करके उनको हम ठीक करते हैं। बिल्कुल, जिसको भी मसला हो तो अजीम भाई एनी टाइम अवेलेबल। पेशावर में बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो कि क्रिकेट को समझते हैं और उनको पता है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अली भाई और मुंसिफ भाई का साथ मेरा साथ ऐसे है जैसे कि राइट और लेफ्ट हाथ, तो समझने वाले लोग होंगे तो हमारी आने वाली नेशंस बची रहेंगी, और उनको रास्ता दिखाने वाले लोग होंगे कि वो उनको गाइड कर सकें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमारा ड्रीम रहा है, और ये वो लोग हैं जो कि इन बच्चों के लिए मशाल रहा है, और इन्होंने आने वाले लोगों के लिए अभी से वो रास्ते बना दिए जो लोगों ने नहीं दिखाए, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जी, थैंक यू अजीम भाई, अजीम भाई अल्लाह आपको खुश रखे। बिल्कुल, सबको यही रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करना है तो वो इस तरह करें जिस तरह अजीम भाई ने मेहनत करके पाकिस्तान की टीम को यहाँ तक लेके आया है।
आप अजीम भाई आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जब भी कोई मसला हो तो बिल्कुल आप अजीम भाई से रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। स्टूडियो का माहौल था, इस तरह हम आते हैं और इस तरह मुलाकातें होती हैं, अली भाई इस तरह सारा सिस्टम चलाते हैं और एक्सपर्ट्स की राय इस तरह हम सुनते हैं। तो आप लोगों को ये दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता हो कि कितनी बड़ी मेहनत चल रही होती है पीछे और हम किस तरह ये सिस्टम चलाते हैं। थैंक यू।